दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 5 वाट के लिए बताया था। इसमें मैं बताऊंगा 1 KVA, 1 KVA मैनुअल स्टेबलाइजर के डाटा। तो 1 KVA में जो आपको प्रयोग करना है, उसकी बॉबिन साइज हो जाएगी आपकी 4 नंबर, और आपकी ये हो जाएगी 2 इंच, ये आपकी वोवन साइज हो गई। और इसमें भी आप 2 तरह के तार लगा सकते हैं, जिससे जो प्राइमरी तार है वो हो जाएगी आपकी 22 SWG, और जो सेकेंडरी तार है, यानी कि आप जो सेकेंडरी तार का उपयोग करेंगे, वो आपको इसमें 20 नंबर की तार आप यूज करेंगे। तो इसमें आप लगभग 800 वाट तक लोड दे सकते हैं और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, फिर हम इसमें शुरुआत करते हैं। जब सेकेंडरी तार आपकी यूज हो जाएगी, तो आप अगर शुरुआत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, और इसमें आप प्राइमरी आपको जो शुरू की न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल देनी होगी, न्यूट्रल हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगर आप एसी किट इसमें भी लगाना चाहते हैं, तो एसी किट इसमें भी, एसी किट के लिए आपको जो है वो 32 टर्न हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी बत्तीस टर्न के बाद अगर आप तीन सौ 75 टर्न जो है आपकी, ये जो आप देख रहे हैं, ये 22 गेज से हो जाएगी। और यहीं से आपकी अब ये 20 गेज स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ पर आप अब सेकेंडरी बांधना स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंडरी के लिए मैंने अभी अलग से कलर का बता दे रहा हूँ, ताकि आपको आसान हो। यहाँ पर आपको जो है 375 जो है, उसके बाद आपको जो सेकेंडरी बांधनी है वो 60 60 टर्न, यानी कि जो 60 टर्न हो गई प्राइमरी फर्स्ट लूप, उसके बाद हो जाएगी सेकेंड 120, उसके बाद 180, उसके बाद 240, उसके बाद 300, उसके बाद जो है आपका 360 टर्न हो जाएगी अगले लूप के लिए। और उसके बाद जो है आपकी ये, सॉरी ये पहले की है, इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि जो पहले वाले लूप है, जो हम पहले एक डाटा बनाए थे, वही इसमें है पहले से। तो उसको हटाकर हम और जो लास्ट लूप है इसकी, सॉरी तो 60 टर्न, और यानी कि आपको हो जाएगी
420 तो हम 421 कर देते हैं और 421 टन, तो ये आपकी हो जाएगी 1 KVA की, जिसमें आप शुरुआत करेंगे जो 22 नंबर से, यानी कि 32 टन पर आप ट्रिगर निकाल देंगे एसी किट के लिए, और 375 पर आपकी 22 नंबर खत्म कर देनी है, और यहीं से 375 में जोड़ कर यानी वो जीरो हो जाएगी, फिर 60 टन पर आप सारे लूप निकाल लीजिएगा, तो ये आपकी मैनुअल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इसे इसलिए प्लस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्लस करेंगे तो काफ़ी अच्छा आसान हो जाएगी, लेकिन आपके लिए फिर दो तरह की तार है तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से जीरो कर दिया हूँ, और यहाँ से फिर आप अपना स्टार्टिंग कर दीजिए और आपका ये 1 KVA का डाटा हो जाएगा, फिर आप इसे रोटरी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो तार है जो 375 है, यहाँ पर आपकी 20 नंबर इसी में जुटेगी और ये हो जाएगी 8 नंबर की लूप। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर देखेंगे अगले वीडियो में।